दोस्तों भारत में अधिकतर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन की यात्रा करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आज हम आपको इन्हीं ट्रेन से जुड़े कुछ नया जानकारी देंगे, इसीलिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों भारत में रेल यात्रा बहुत ही सस्ती और आरामदायक है। इसकी वजह से भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। दुनिया में भारतीय रेलवे चौथा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। दोस्तों भारत में रेलवे स्टेशनों की बात करें तो इसकी कुल संख्या लगभग 8,000 के करीब है। समय के साथ भारतीय रेलवे और स्टेशनों में काफी बदलाव आया है। भारतीय रेलवे अब काफी एडवांस हो गया है और यहाँ की ट्रेन स्टेशन काफी हाईटेक हो गए हैं। वर्तमान समय में भारतीय रेलवे कई हाई स्पीड ट्रेनें चला रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दो कि भारतीय रेलवे से करीब 2.5 करोड़ लोग हर रोज यात्रा करते हैं और 33 लाख टन मालगाड़ी माल ढोता है। 8 मई 1845 को भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी। भारतीय रेलवे का मुख्यालय राजधानी नई दिल्ली है। 178 साल पुराना भारतीय रेलवे आज भी सबसे सस्ता और पसंदीदा परिवहन है। दोस्तों आप लोगों ने कभी न कभी ट्रेन में जरूर सफर किया होगा, तो आपके मन में यह सवाल आया होगा कि भारत में पहली ट्रेन कब और कहाँ से चली थी। भारत की पहली ट्रेन का नाम रेड हिल रेलवे थी। 1837 में यह ट्रेन रेड हिल से लेकर चिंतापेट पुल तक चलाई गई थी। ट्रेन के निर्माण का यह श्रेय सर आर्थर कॉटन को दिया जाता है। दोस्तों इस ट्रेन का इस्तेमाल ग्रेनाइट के परिवहन के लिए किया जाता था। आम लोगों के लिए 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चली थी। यह ट्रेन मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर के लिए चलाई गई थी। इस ट्रेन में करीब 400 यात्री यात्रा किया था। सबसे खास बात यह है कि इस दिन सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया गया था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अभी भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन है? दोस्तों भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है। इस ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन सुरक्षा के कारणों की वजह से यह ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अभी चल रहा है। कई बार यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दो कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है। यह ट्रेन 4286 किलोमीटर की दूरी करीब 82 घंटे 30 मिनट में दूरी तय करती है। यात्रा के दौरान यह ट्रेन करीब 57 स्टेशन पर रुकती है। दोस्तों भारतीय रेलवे का नेटवर्क दुनिया भर में बेहद मशहूर है। रोज लाखों सैलानी एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे यातायात के लिए पूरे देश में फैला हुआ है। दोस्तों रेलवे के कारण देश में किसी भी कोने में सफर करना हर व्यक्ति के लिए आसान हो गया है। दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।